हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म px बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ जो ये px देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल है, किस कितने डिग्री का, तो वह डिग्री टू और मोर का, यानी कि नीचे भी डिग्री टू का पॉलिनोमियल और ऊपर भी डिग्री टू का पॉलिनोमियल या टू से ज्यादा पावर का कोई पॉलिनोमियल हो तो किस तरह से उसका हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब भी आपका इंटीग्रल इस तरह से दिया हो px बाई में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ऊपर जो पॉलिनोमियल पी एक्स है यह डिग्री टू या टू से ज्यादा डिग्री का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो सबसे पहले आपको इसे इसमें डिवाइड करना होगा, ठीक है ना जी। जब भी सेम डिग्री हो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिग्री हो या ऊपर में ज्यादा हो डिग्री, तो आपको क्या करेंगे, नीचे वाले के से ज्यादा डिग्री हो, यानी ये टू पावर ऑफ टू है, यहाँ पावर थ्री हो, पावर टू हो, पावर फोर हो, तो जब ऊपर पॉलिनोमियल का पावर नीचे वाले पॉलिनोमियल के पावर्स के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, तो उस कंडीशन में पहले डिवाइड करेंगे। सपोज के लिए जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्वेशेंट क्यू एक्स मिल रहा है और रिमाइंडर जो है आपका आर एक्स मिल रहा है। तो अब आप डिवीजन रूल से आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं जी, क्यू एक्स प्लस का रिमाइंडर आर एक्स बाई में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। अब अलग अलग इंटीग्रल लगा दीजिए, क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो वन डिग्री का हो, टू डिग्री का हो, थ्री डिग्री का हो, है ना, या कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना जी, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है तो इसका इंटीग्रल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब रहा बात यहां का, तो यहां पर ये आर एक्स जो होगा नीचे वाले के डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो जीरो होता है या जीरो से ग्रेटर होगा, है ना, जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होता है, ठीक है। लेकिन इसका डिग्री अगर देखा जाएगा, आर एक्स का जो डिग्री देखा जाएगा वह डिग्री किसके लेस देन होगा, तो डिग्री ऑफ इससे इसके डिग्री से लेस देन होता है, डिवीजन में यही ना रूल होता है जी, यानी कि ये रिमाइंडर जो भी होगा इसके डिग्री से लेस देन ही होगा। जब इसके डिग्री से लेस देन होगा तो इस तरह का याद होना चाहिए आपको, इसके डिग्री से जब लेस देन होगा इसका मतलब ऊपर आपका पी एक्स प्लस क्यू और नीचे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। तो इस तरह का अगर आपके पास इंटीग्रल रहता है तो आपको पता ही है, पिछले एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चन बताए थे, हमने पी एक्स प्लस क्यू को क्या किया था, ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी डी एक्स और प्लस का बी लेकर, इसको याद है आपको मैंने क्या किया था, यहां से कॉन्स्टेंट ए बी का वैल्यू निकलवाया था, है ना जी, ठीक है। और फिर उसके बाद एक कॉन्स्टेंट और बी कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकाल के और फिर इंटीग्रल में यहाँ पे इसके जगह पर ये वाला टर्म रख के और फिर इंटीग्रेट कर दिए थे अलग अलग करके, तो वो सारा प्रोसेस हमने पिछले एक्सरसाइज में देख लिया है, समझे ना, पिछले एक्सरसाइज में हमने सारा प्रोसेस देख लिया, अब अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि अब अगर ऊपर डिग्री ज्यादा हो या इक्वल हो तो डिवीजन करके पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में कर लेंगे, और इस फॉर्म में करने के बाद इसका तो इंटीग्रल इजी होगा क्योंकि एक पॉलिनोमियल होगा, और इसका जो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी इस तरह से जिस जो भी हमने इंटीग्रल देखे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस का एक्स प्लस का वन बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन, जाहिर सी बात ऊपर डिग्री थ्री है नीचे टू है, तो हमें क्या करना होगा, पहले डिवीजन, एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स का क्यूब प्लस का एक्स प्लस वन में डिवीजन करेंगे, तो एक्स बार में जाएगा, एक्स का क्यूब और माइनस का एक्स हो जाना है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स हो जाना है, माइनस प्लस ये कट जाएगा, आ जाएगा टू एक्स प्लस का वन। जैसा कि मैंने बताया था आपको डिवीजन के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स प्लस का टू एक्स प्लस वन और बाई में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस में इंटीग्रल ऑफ टू एक्स माइनस वन बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो आप देखो अब इसके बाद जो हम लोग इसके बाद जो हमने इंटीग्रल के लिए पढ़ा था ना जी, इस तरह से हो तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हो तो आपको पता ही है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू में ए इंटू में इसका डेरिवेटिव प्लस बी करके करते हैं ना जी। तो ये मुझे सिंपल दिख रहा है तो मैं उतना कुछ नहीं करने जाऊंगा, देखो 2x बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन अलग अलग करने पे ही मेरा काम बन जाएगा, 1 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो ये तो आपका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए हम लोग चाहे तो वन का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे, ऐसे वन का स्क्वायर देने से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। चलिए, और ये प्लस प्लस में, प्लस में इसका क्या हो जाएगा, वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई में एक्स प्लस वन प्लस सी। यानी अब यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस में वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई में एक्स प्लस वन। तो आपको ध्यान देना होता बस शुरू के स्टेप में कि देख लेना होगा कि डिग्री ऊपर और नीचे इक्वल हो, चाहे ऊपर ग्रेटर हो नीचे नीचे कम हो, डिवीजन करेंगे और इसको इस फॉर्म में कर लेंगे और फिर इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे। और इसका इंटीग्रल आप पीछे के साइड में देख लिया है कि किस तरह से इसका इंटीग्रल निकाला जाता है अगर इस तरह का कोई भी फॉर्म होगा तो इसके लिए अलग से मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।